आज उड़ीसा पहुंच चुके हैं। यहाँ उड़ीसा का सबसे बड़ा नदी इधर देख सकते हैं, इधर बहुत बड़ा नदी है, देख सकते हैं लंबाई भी इसका कम से कम 2 या 3 किलोमीटर तक होगा शायद। देख सकते हैं उड़ीसा का सबसे बड़ा नदी गाड़ा देख सकते हैं फ्रेंड्स, इतना बड़ा गाड़ा इधर भी है, लंबाई देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा, चारों तरफ जंगल ही जंगल देख सकते हैं फ्रेंड्स, चारों तरफ जंगल ही जंगल, बहुत ही मज़ा है यहाँ पे। आज अभी हम दोनों यहाँ पे फोटोशूट करेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे फोटोशूट के लिए रेडी, निकालो फोटोशूट के लिए निकालो कैमरा मेरा फोटो वोटो खिंचाते हैं थोड़ा अभी। यदि हम दोनों का ट्रैवल किए थे इससे मेरा 180 बहुत मुश्किल है, कोई गाड़ी सब मांग रहे तो कोई भी नहीं दिया, लेकिन अपना ही गाड़ी बनवा के आज हम हिस्सा पहुँच गए हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स बल्ला बल्ले इधर नज़ारा सब देख सकते हैं आप लोग, और भी नज़ारा बहुत बाकी है दिखाने, आप लोग को दिखाना है अभी तो बस यहाँ का तो सभी फोटोशूट चलेगा। फ्रेंड्स कैमरा मेरा निकालो फ्रेंड्स, अभी फ़ोटो खिंचाने के लिए रेडी हो रहे हैं, उधर हमें राजेश भाई देख सकते हो, उधर में कैमरा में ये क्या बोलते हैं लेंस सब लगा रहे हैं फ्रेंड्स, ये जंगल एकदम जंगल बोल रहे हैं, नदी देख सकते हैं बहुत बड़ा नदी है, अभी यहाँ पर फोटोशूट करेंगे, बहुत ही मज़ा लग रहा है, बहुत दूर आए हैं 350 किलोमीटर से भी दूर है आए हुए, देख सकते हैं बाइक से ट्रैवल किए हैं, बहुत तकवा लग रहा है अभी क्या करेंगे फिर भी, बहुत तकवा लग रहा है यार इतना दूर ट्रैवल किया, अभी तक मेरा 3री बार हो रहा है जिस इस यहाँ इस गाड़ी से ट्रैवल किया, हम भी चलाए थे हम दोनों ट्रैवल किए थे 100 किलोमीटर लेकिन हम भी अधिक चलाए, लेकिन बहुत तकवा लग रहा है फ्रेंड्स। आप लोग भी कभी आइए उड़ीसा देखने के लिए, नदी का नाम तो नहीं पता है उड़िया में लिखा हुआ है क्या नदी है हमको पता नहीं है फ्रेंड्स, नज़ारा दिखा रहे हैं आप लोगों को, बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक हमारे तो सब लोग को, जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए जल्द से जल्द सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, ताकि और अच्छा अच्छा वीडियो सब लाएंगे, अभी थोड़ी सा काफ़ी आपको दिखाएंगे और हम लोग एंडिंग फिल्टर लोग पर आएगा बहुत जल्द आने वाला है, फोटो आएगा वो ट्राई कर रहे हैं देख सकते हैं, चलिए कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं अभी ट्राई कर रहे हैं फ़ोटो कैसा आएगा स्टेप का, कैमरा भी उतना थोड़ा सा कैमरा का हालत थोड़ा सा मरीज हुआ है, तो अभी आज इसी से शूट किया जाएगा, हाँ जैसा भी है वो तो मोबाइल में देखे कोई मिलेगा फ्रेंड्स, चलिए दिखाते हैं कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, अभी वीडियो फोटो शूट करते हैं बाद में दिखाते हैं हम लोगों को अच्छा से। तो फ्रेंड्स अभी हम दोनों का फोटोशूट हो गया है, अभी आगे भी जाना है हम दोनों को, इधर देख सकते इधर आगे में देख सकते उधर हम लोग को जाना है आगे गांव, जहां हम लोग जहां अभी जा रहे हैं ना वहां गांव का नाम है बोनिया जाना है हम दोनों को अभी, और हमको 50 किलोमीटर सफ़र करना है, अभी तक पहुँच नहीं चुके हैं, जहाँ हम लोग जा रहे हैं ना अभी जहाँ हम जा रहे हैं उधर ही में बारिश हो रहा है, उधर में बारिश हो रहा था, अभी आगे कैसे बढ़ेंगे वही सोच रहे हैं, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फोटोशूट कर रहे हैं, इधर में देख सकते राजेश भाई के साथ फोटोशूट चल रहा है देख सकते हैं, इधर में क्या जंगल ही बोल रहे हैं तभी से नदी बोलने के जगह जंगल बोल रहे हैं, और बहुत मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं उधर में पूरा बारिश कम से कम ना फ्रेंड्स, यहाँ का नदी बहुत लंबा है, लंबा भी बहुत बड़ा भी है देख सकते हैं, पूरा चारों तरफ जंगल ही जंगल देख सकते हैं, जंगल दिख रहा है अभी यहाँ पे इस नदी पे शायद मछली सब उतना नहीं पकड़ते हैं, इधर का नदी में ना बालू लेकिन बहुत ज़्यादा है बालू, लेकिन इधर शायद कम यूज करता होगा बालू घर बनाने के लिए, लेकिन इधर में ना बालू का कमी नहीं है।